नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया है कि वो 21 मार्च शाम 5 बजे तक बॉन्ड की जुड़ी सारी जानकारी साझा करे, जिसमें बॉन्ड नंबर भी शामिल है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को हलफनामा देने को कहा है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा है कि उनका आदेश साफ था कि एसबीआई को सारी जानकारी उपलब्ध करानी थी, लेकिन एसबीआई ने सारी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब 21 मार्च शाम 5 बजे तक का एक बार फिर से एसबीआई को समय दिया है कि पूरी डिटेल में जानकारी दीजिए। बॉन्ड नंबर के साथ ये जानकारी अपलोड होनी चाहिए वेबसाइट पर कि कितने बॉन्ड खरीदे गए और किसको कितना पैसा मिला। पूरी डिटेल में जानकारी के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एसबीआई को यह आदेश दिया है। साथ ही साथ हलफनामा भी देने को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जानकारी देने में कोई परेशानी नहीं है, एसबीआई का इस पर जवाब भी आ गया है। और ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 21 मार्च शाम 5 बजे तक बॉन्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारी साझा कीजिए। बॉन्ड नंबर समेत सारी जानकारी होनी चाहिए जो इसको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक हलफनामा देने को भी कहा है। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को यह जवाब दिया है कि हमें जानकारी साझा करने में कोई परेशानी नहीं है।